Hello everyone. So in our last class we have discussed about the magnetic force right on a current carrying conductor right isn't it. So हमने last class में क्या किया था कि एक current carrying conductor था कि नहीं है जहाँ पर हमने निकाला था उसके ऊपर magnetic force कितना होगा है ना, हमने ये चीज़ calculate किया था. And जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों के साथ velocity filter या velocity selector ये भी कर लिया था है ना. सो देखो आप लोग का आप लोग NCERT को डायरेक्टली एक टॉपिक नहीं देकर रखा हुआ है लेकिन फिर भी हमें एक टॉपिक करना जरूरी है. लाइक समटाइम देयर इज टू गिव एन एग्जाम राइट इन डायरेक्ट फॉर्म में, वो इन डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं ठीक है विद रिस्पेक्ट टू आपका वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के हिसाब से है ना. तो इसलिए मैं आपको वो टॉपिक कराने वाला हूँ. लेकिन ध्यान रखना कि आप अगर ढूंढोगे NCERT बुक में है ना, NCERT अगर बुक में ढूंढोगे टॉपिक तो नहीं मिलने वाला है फॉर श्योर ठीक है. सो मैं अकॉर्डिंगली हर टॉपिक NCERT से नहीं करवा रहा हूँ है ना. ऐसा कुछ टॉपिक है जो एग्जाम में आता है या देखा गया है लास्ट 10 ईयर्स में है ना. क्योंकि इफ़ यू सी आई हैव गिवन द क्वेश्चंस इन योर असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 3 राइट दैट इज़ ऑफ वहाँ पे आपका क्या था बेसिकली जो बोर्ड्स क्वेश्चन है ना मैंने वो दिए हुए हैं ठीक है. आप ध्यान से होगे वो बोर्ड्स क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट 6 ईयर्स के ठीक है. मैंने मैंशन नहीं किया कौन सा ईयर में कौन सा आया हुआ है वो मैंशन नहीं है बट इट हैज़ बीन गिवन टू यू फाइन. सिमिलरली अभी हमारा क्या है कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है आपका देखो आप जब मैच करोगे बुक NCERT से है मेरा जब ये नोट्स देखोगे ना थोड़ा आपको अलग दिखेगा. क्यों अलग दिखेगा? क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू NCERT बुक से प्रिजर्व बिकॉज NCERT क्या है डायरेक्ट टॉपिक देकर रखे हुए है ना, डायरेक्ट टॉपिक है. लेकिन उसका सब टॉपिक में जो स्मॉल चीज़ें आ सकता है वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने इट इज़ जस्ट वन लाइन खत्म कर दिया. लेकिन वो वन लाइन में मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, उसके लिए हमें क्या ना थोड़ा अलग से ग्रेविटेशन करना पड़ेगा ठीक है. सो हमारा आज का न्यू टॉपिक होगा क्या होगा, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो देखो कि चार्ज पार्टिकल कैसे घूमता है ना, अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डाल दूँ है ना, अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक चार्ज पार्टिकल डालूँ है ना तो वो किस तरह से घूमेगा है ना, वो कैसे मूव करेगा है ना, इस पर हमारा फोकस रहेगा ठीक है. और ये क्वेश्चन एक बार देखा गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ लास्ट 6 ईयर्स से मुझे पता नहीं आपका आई थिंक आपका आया है एक बार बट लास्ट 10 ईयर्स से हो गए तो 2 बार आया. इफ़ आई टेक फ्रॉम 2010 टू 2011 जहाँ से आपका ये NCERT का जो स्टार्ट हुआ था ना सिलेबस हमारा 2011 से हमारा ये NCERT वाला चीज़ें स्टार्ट हुआ था. सो एट फ्रॉम 2011 टू 20 10 ईयर्स में बात करूँ है ना, तो इन 10 ईयर्स में ऐसा इसके ऊपर है ना इस टॉपिक के ऊपर 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इनडायरेक्ट वे में, फिर से बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में फाइन. सो वैन वी डू ऑफलाइन क्लासेस देन आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं ठीक है. तो सो डर आप मान चल सके कि ये क्वेश्चन किस तरह से क्या पूछ रहा है क्या मांग रहा है हमसे ठीक है. सो वी डिस्कस इट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस. मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. मान लो मानने में क्या था हमारा है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अब मान लो कि मैंने यहाँ चार्ज सपोज यहाँ से मैंने चार्ज को वेलोसिटी वी से थ्रो किया ठीक है, ये लेट्स से क्यू चार्ज था इसको मैंने वेलोसिटी वी से थ्रो किया. अब देखो जब वेलोसिटी वी से थ्रो करूँगा है ना मैं तो यहाँ पे ले रहा हूँ इस लाइन के ऊपर ले रहा हूँ क्यों बिकॉज अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा स्मूथ हो सके ना स्ट्रेट हो सके, अदरवाइज आप लोग चाहो तो ये चार्ज को यहाँ भी ले सकते हो यहाँ भी ले सकते हो वेर एवर यू विश ले सकते हो ठीक है. बट मैं यहाँ ले रहा हूँ बिकॉज मेरा डायग्राम थोड़ा होगा, हम लोग डायग्राम जो होगा वो थोड़ा सही दिखेगा हम लोग रिलेट कर पाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए मैं यहाँ पर ही मार्क कर रहा हूँ ठीक है. अब देखो ये कुछ एक एंगल बनाएगा ऑब्वियसली थीटा विथ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. सो जब भी हमें पता है जब भी कोई एक एंगल से जाता है ना, जब भी कोई एक एंगल से जाता है तो वो क्या होता है एक वेक्टर फॉर्म में ब्रेक होता है इट विल बी ब्रेकन इनटू व्हाट ब्रोकन इनटू टू कॉम्पोनेंट दैट इज व्हाट एक इस तरफ जाएगा कहा था ना, क्योंकि मैं यहाँ से डायग्राम अच्छा करता था तो यहाँ पर स्ट्रेट मुझे स्ट्रेट मिल गया ना एक स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज में बहुत कन्फ्यूजन होता खुद के यहाँ से आएगा और एक कहाँ जाएगा इधर जाएगा. देखो मेरे पास क्या आया दो वेलोसिटी आया लेट्स से ये V1 है
लेट्स से ये वी टू है ना, जो वेलोसिटी वी है वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, वी वन एंड वी टू। एंड वी ऑल नो जिधर में देखो यहाँ पे जिधर में थीटा होता है ना उधर क्या होगा, वी कॉस थीटा होगा। अब एज इक्वल वी टू है, मैं क्या लिख रहा हूँ वी टू कॉस थीटा, ठीक है ना। याद रखना जहाँ पे आपका एंगल जिधर से एंगल बनता है ना उधर में कॉस लगेगा, और जिधर एंगल नहीं बनेगा उधर क्या लगेगा, साइन लगेगा, है ना। ठीक क्या होगा वी वन साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, देखो दिखेगा आपको ध्यान से एक बात कि जिधर में है ना, जिधर में आपका ये रहेगा है ना, जिधर में आपका ये रहेगा है ना उधर क्या होगा, इसके लिए आपका बेसिकली उधर में कॉस रहेगा और जिधर नहीं रहेगा उधर क्या रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देखो कि ये सब जो मूवमेंट होगा कैसा होगा, एज को जो दो पार्ट में ये हुआ है कि नहीं है, सो बेसिकली नो ये आपका थोड़ा कुछ लाइक मैं अगर डॉटेड लाइन दिखाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, है ना। सो ये एक हेलिकल पार्ट ए जो शेप है ये लेकर, ठीक है ना, इसे कहते हैं हेलिकल। देखो ये ना ही एक स्पेयर है, देखो ये स्पेयर नहीं है ना, ये लाइक इस तरह से देखो दिखाऊंगा बहुत ठीक से, क्लोज टर्न टाइम है ना, इसे कहते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, हेलिकल पाथ कहेंगे। सो बेसिकली ये क्या होगा, देखो एक हेलिकल पाथ है, देखो यहाँ पे अब यहाँ से हो गए। सो अब इसी हाथ में अगर फिर से ड्रॉ कर दो फिर से इसको अच्छे से, देखो यहाँ से देखो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा ना, अगर मैं डॉटेड लाइन यहाँ से हटा दूँ तो, ठीक है, आए पास समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम और कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, चलो मैं और सा इजी करता हूँ इसको। देखो लाइक ये भी था सेम पास ही होगा, टेंशन नहीं है इसका, ऐसे आया मान लो, फिर ये विदाउट टचिंग मान लो ये कुछ इस तरह से जाएगा, है कि नहीं। अब सही लग रहा है, देखो ठीक से अब तो सही लग रहा है आप लोग, है ना, थोड़ा देखो थोड़ा ऊपर जा सकता है ये, बिकॉज फ्री हैंड डायग्राम, याद रखना ये फ्री हैंड डायग्राम है कि नहीं है। सो अगर कोई पूछे ये ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया तो क्या बोलोगे, थोड़ा नीचे क्यों हो गया, सिंपल बोलना कि ये क्या है, फ्री हैंड डायग्राम है, और फ्री हैंड डायग्राम में थोड़ा ऊपर नीचे होगा बिकॉज हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग है, मशीन तो है नहीं जो एकदम एग्जैक्टली कर देंगे, है कि नहीं है। सो ये एक फ्री हैंड डायग्राम है। अब ध्यान से होगे ये पार्ट, ठीक से ये पार्ट एक तरह का एक हेलिकल शेप से कहता है कि नहीं है, और अच्छे से दिखा आपको ये एक तरह क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर शेप लेना स्टार्ट करेगा ना, लाइक इसका रेडियस कुछ तो होगा, इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा, मान लो यहाँ से आ रेडियस इसका आ रहा है ना। सो हमारा काम क्या दिखा सकता, हमारा काम है इसका, पहला बात है हमारा रेडियस निकालेंगे इसका, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने पे हम लोग फोकस करेंगे अभी, ठीक है, याद रहेगा ना, हम लोग क्या निकालेंगे अभी, हम लोग रेडियस निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ टॉपिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ, रखना इस चीज़ को हम लोग हेलिकल पाथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेलिकल वर्ड बोल के, है ना, क्या रखना, हेलिकल, हेलिकल वर्ड भी कभी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बार बार सर्कुलर पाथ बोलो तो भी चलेगा, एंड हेलिकल पाथ बोले तो भी ये चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हेलिकल पाथ हो गया हमारा, अब यहाँ मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है, चार्ज पार्टिकल ऊपर है ना किस तरह का फोर्स होगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना। सो हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या था, बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू व्हाट, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, याद कीजिए हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या था, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, हमने ये चीज़ निकाला था पहले भी, है कि नहीं है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा हमने चीज़ याद करो, हमने निकाला था, है कि नहीं है, राइट। सो यहाँ पे अभी ध्यान से देखना आप लोग, है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा हो गया क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ देखो कि ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन है ये कौन दे रहा है, इसके वजह से वहाँ देखो यहाँ पे ये रहा साइन थीटा, ये रहा हमारा, है ना,
ये हमारा क्या है, साइन ऑफ थीटा है इसके यहाँ पे, राइट। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली। सो क्या लगता है आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा हल्का सा खर्चा कीजिए, क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा क्या, ये हमारा क्या था, V1 था, है ना। तो ये जो इस डायरेक्शन में गया ना, बेसिकली मैं यहाँ क्या वहाँ कहता, अगर ये V1 डायरेक्शन गया तो V1 साइन थीटा होगा और ये V2 साइन थीटा होगा, लेकिन हमारा यहाँ देखो V1 V2 तो है ही नहीं, मैंने पहले कह दिया ये क्या है हमारा, ये डायरेक्शन क्या था हमारा, डायरेक्शन क्या था, V2 था और ये V1 था, तो ये लेके फायदा था नहीं, हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या लेंगे, इन टर्म्स ऑफ वी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा, मतलब V1 विल बी इक्वल टू व्हाट, वी साइन थीटा एंड V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, वी कॉस थीटा, मच बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वी में आएगा हमारा, है ना, इन टर्म्स ऑफ वी। अगर ये मान लो ये जो डायरेक्शन है मान लो आपका, ये देखो अगर ये आपका अगर V2 है मान लो, V2 एक्सिस, ये पूरा हमारा मान लो V2 है, लेट्स से, है ना, ये V2 मतलब क्या, ये पूरा हमारा V2 होगा एक्सिस, यहाँ से एंगल थीटा आया सपोज, फाइन, यहाँ से हमारा क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। सो ये क्या हमारा बेसिकली V है ना। सो अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप कंसिडर करोगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करोगे तो ये एंड ये आएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, V/H है ना, मतलब V कितना होगा, V2 होगा, H कितना होगा, V होगा। सो V2 कितना होगा, देखो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V cos ऑफ थीटा। आया समझा आपको कि नहीं आया, देखो ठीक से हमारा V2 cos ऑफ थीटा आया, मैंने आपको दिखाया कि ये जो V2 का वैल्यू है ये V cos थीटा कैसे आया। सिमिलरली V1 वैल्यू कितना होगा, V sin ऑफ थीटा होगा, ठीक है, क्लियर नॉट, होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है ये जो V और ये sin थीटा है ना, V और ये sin थीटा है इज नथिंग बट व्हाट, Q V1, है ना। देखो ये और ये मिला के हमारा क्या हो जाएगा, V1 होगा, बिकॉज V sin थीटा इज नथिंग बट V1, एम आई राइट और नॉट। अब देखो ये जो बेसिकली हेलिकल पाथ आया है ना, ये जो हेलिकल पाथ आया है ये ऑब्वियसली इसके वजह से आया, बेसिकली ये आपको डायरेक्शन गया तभी तो घुमाना है बेसिकली, है ना। सो अगर ये आपको डायरेक्शन गया है तो अभी ये चीज़ क्या होगा, घुमा होगा। अगर ये घुमा है यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये गोल गोल घूम रहा है ना, लाइक सर्कुलर पाथ में है ना, तो यहाँ क्या होगा, अपने क्लास 11 में एक चीज सीखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स याद होना चाहिए आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स याद है ना। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्या था, mv² / r था, आपको याद होगा तो, है ना, mv² / r था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। बट ये जो V है, वेलोसिटी है ना, ये किसके कारण है, इसके कारण है, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे कौन सा V है, बेसिकली ये भी है ना, ये ऊपर गया तब तक इसे घुमाना, बेसिकली इसका कोई रोल यहाँ प्ले हो ही नहीं हमारा, है ना। तो V2 का कोई काम नहीं है, चलो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हम लोग V1 लिखेंगे, ठीक है ना। देखो ये ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद ही ऐसा घुमाना बेसिकली, अगर ये जाता ही नहीं ऊपर, है ना, मान लो ये ऊपर जाता ही नहीं तो काम होता ही नहीं इसका, मतलब ये चीज़ सर्कुलर पाथ में आता ही नहीं। अगर ये मान लो जस्ट से कि ये सीधा ऐसे जाता है ना, हमें पता है कि जब ये पैरेलल जाएगा ऐसे, है ना, व्हेन दिस विल गो पैरेलली, है ना, चार्ज, तो मैं क्या होता है बेसिकली वो चीज़, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता चार्ज पार्टिकल, हमने निकाला था याद कीजिए। अगर ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ना और चार्ज H चला गया पैरेलल टू दिस, देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, सो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0। सो फोर्स का बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस किया है और अगर ये वेलोसिटी V से मूव कर रहा है तो किसी कारण, ये V1 साइन थीटा के कारण घूम रहा है, ये थीटा के कारण याद रखना, इस वेलोसिटी V1 के कारण ही ये हेलिकल पाथ में आया है। अगर ये V1 होता नहीं तो हेलिकल पाथ में आता भी नहीं, ठीक है। सो देखो mv² / r है ना, लेट्स से इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज 2। नाउ सी इफ आई कंपेयर दिस एंड दिस, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ध्यान से देखो, इफ आई कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, सो यहाँ देखो फोर्स कॉमन है तो घट जाएगा अपना, बचेगा ये और ये, यहाँ से हम देखो यहाँ पे क्या है आपका, रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ है कि नहीं है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो डैनिंग थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, देखो
ये और ये घर गया अपना, जस्ट मैथमेटिकल चीज़ें देखो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू वी वी वन इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, ठीक है, क्यू वी वी वन इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बार। नाउ करना क्या है, मैं तो कहा अभी हमें करना क्या है, बेसिकली करना कुछ खास नहीं है, हमें यहाँ से वैल्यू ऑफ आर निकाला, तो आर इधर जाएगा और ये इधर आएगा, देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, इंटरचेंज कर दो पोर्शन को, सो क्या होता है देखो आपका, बेसिकली आर इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई क्यू वी वी वन, है ना। सो सी यहाँ पे क्या घर जा रहा है, देखो यहाँ पे कौन घर जा रहा है, ये वी वन स्क्वायर है और ये वी वन है, एक घर जाएगा, बचेगा क्या एम वी वन बाई क्यू बी, हमारे पास ये आर का सिंपल सा छोटा सा वैल्यू आ गया है कि नहीं है, आया पास आपको नहीं आया, फाइन। अब आप सोच रहे ये सर ये एम किधर से आ गया, ये मास किसका है ना, तो आज कल ध्यान देना वेयर एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, देखो ये तो क्यू है बेसिकली, है ना, ये तो क्यू है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, तो वो मास उसी का है। सो आर इक्वल टू क्या आ गया एम वी वन बाई क्यूबी, एक बहुत ही छोटा सा देखो यहाँ पे कि नहीं है, लेकिन देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा फॉर टू थ्री मार्क्स, है ना, दो से तीन मार्क के लिए क्वेश्चन अच्छे से पूछ रहे लोग। सो देखना, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है, जब हेलिकल पाथ लेता है ना उसका रेडियस क्या होगा, इस हेलिकल सर्कुलर पाथ है ना इसका रेडियस कितना होगा एम वी वन बाई क्यू बी, ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मन में आ सकता हमारा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा सर कि चलो मान लिया आपने कहा कि ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एक्सेप्टेड है ना, लेकिन अब बताइए सर कि यहाँ पे है ना ये जो घूमेगा ना, ये जो ऐसे करके इधर से आके इधर से घूमेगा वन, है ना, यहाँ देखो ये चीज़, ये देखो ये एक यहाँ देखो ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म किया ना इस पॉइंट तक, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या हो सकता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, है कि नहीं हम, सो एक रोटेशन के लिए, है ना, एक रोटेशन के लिए टाइम क्या होगा, ठीक है। सो हम लोग अब इसके पीछे भागेंगे, उपाय नहीं है ना, क्योंकि ये लोग जो बोर्ड है ना बहुत ही अच्छे बोर्ड है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे, है ना। सो उसके लिए अब हम क्या निकालेंगे कि टाइम, राइट। अब एक एक रोटेशन में, है ना, एक कंप्लीट रोटेशन में या एक कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल पूरा होने में, है ना, ये जो सर्कल है ना ये पूरा होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका भी सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत 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 ही आसान है। अब बच्चों के साथ बोलते रहे बहुत आसान है, थोड़ा निकाल दिखाइए भी। तो बोलते हो आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये कभी नाम सुना है आपने कि नाम नहीं सुना है कभी, होपफुली बचपन में जरूर सुना होगा, है ना, नहीं तो लास्ट ही सुना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब देखो यहाँ हमारा फोकस इस पे, हमारा फोकस है टाइम पे, है ना। सो देखिए टाइम को अकेला करते हैं, इधर आते हैं और स्पीड यहाँ लाते हैं, बिकॉज देखो जिसका ज़रूरत नहीं है वो जाएगा राइट हैंड साइड, जिसका ज़रूरत है वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं है। सो बहुत ही आसान तरीके से काम करेंगे हम, टाइम इधर आएगा तो क्या होगा, टी आई एम ई टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। ये स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कभी कभी मेरा खुद का स्पीड जो है बहुत ही फास्ट होता है ना। सो आई गेस थोड़ा आज और फास्ट होगा, तो अगर फास्ट लगे, फिर से बोला अगर फास्ट लगे तो आपके पास ऑप्शन है ना, जो वीडियो है ना, लाइव तो है नहीं कि आप मेरे साथ मुंह बंद करा दोगे ना सर चुप तरीके बोलो, है ना। सब लोग प्लेबैक में जाके वो सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ तो गया, अब डिस्टेंस ये देखो एक कंप्लीट सर्कल में, देखो एक यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में ना कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ पता है कि डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं याद करो, एक सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, बाय, हाँ हाँ बहुत लोग सोच रहे हैं अच्छा है ना, बाय सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस निकालो और वहाँ से क्या निकल जाएगा, इसके लिए सर्कमफेरेंस से आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब बहुत समझ नहीं आ रहा ना सर ये सर्कमफेरेंस क्या है, माथा खराब हो रहा है, कुछ भी बोल रहे थे, है ना। सी सर्कमफेरेंस मतलब क्या, ये टोटल मान लो एक गोल है ना, लाइक देखो ये एक राउंड शेप है, ठीक है,
अब ये राउंड शेप है तो इसका पूरा लेंथ, जो लाइन देखो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, इस पर लाइन का लेंथ कितना है। अब मान लो कि मैंने इसको तोड़ दिया, सपोज मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से तो क्या होगा, इसको लेके मैं ऐसे कर सकता ना तो कुछ ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, तो हमें ये लेंथ जानने का मन कर रहा है, लेकिन अब तोड़ तो सकते नहीं ना, दिक्कत यही है। सो इसके लिए एक फॉर्मूला बना गया 2πr, और आई गेस आपको पता होगा कि 2πr ही क्यों फॉर्मूला होता है इसका ना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr ही क्यों होता है, ये आई गेस सबको पता होना चाहिए, पता है ना? नहीं, देखो ये टोटल एंगल कितना है बेसिकली, देखो ये टोटल जो एंगल है, देखो यहाँ पे ये टोटल एंगल कितना है, 360 है ना, यहाँ पे 360 एंगल है, और हमें पता है इस 360 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 into π, है ना, 360 डिग्री को 2π रेडियन में ब्रेक किया जा सकता है ना, और यहाँ रेडियन कितना है यहाँ पे r, सो 2πr हो गया। छोटा सा बात था, बस मैथमेटिकल चीज़ें मैंने आपको थोड़ा दिखा दिया, ठीक है ना। सो डिस्टेंस कितना होगा इसका, वाट विल बी द डिस्टेंस, तो क्या होगा ये 2πr, ठीक है। स्पीड, स्पीड किसका, वेलोसिटी मतलब है ना, और वेलोसिटी कौन, किसके कारण ये सर्कुलर शेप में आया, ये आया v1 के कारण, है ना, तो क्या होगा ये v1 होगा, करेक्ट, आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि मैंने देखो यहाँ पे लिया है v1 ये लिया है, v2 ये लिया है ना, अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसको v1 किताब में लिया है, इसको v2 लिया है, मैं बोलूँगा क्या फ़र्क पड़ता है हमें, आंसर देखना सेम ही आएगा, है ना, मैं इसको v1 लो दूँ, v2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब वेलोसिटी में बस एक मार्किंग है, रखना ये बस एक नेमिंग है, v1 v2, ठीक है। बहुत लोग चाहे तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं v1, इसको ले सकते हैं v2, तो अलग अलग बुक जब फॉलो करें ना, नॉट NCERT, अलग अलग जब बुक फॉलो करके आपको कहीं मिल बाई चांस मिल सकता है कि ये क्या होगा v1 होगा और ये होगा v2, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फाइन। अब क्या होगा, 2πr/v1, अब ये क्वेश्चन आएगा सर v1 कहाँ से निकाले, है ना, सर ये v1 किधर से निकाले, सो आंसर बहुत ही आसान होना चाहिए आपके लिए, है ना। सो v1 कहाँ से निकाल, बताओ मुझे v1 किधर से निकलेगा, क्योंकि ये तो v1 है ना, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, इस रेडियस, देखो हमारे पास ये r का वैल्यू है, डाल दो लाके यहाँ पे r का वैल्यू, सबसे आसान सबसे इजी मेथड क्या है, इस r का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, ये v1 का वैल्यू उठाओ, यहाँ से v1 निकालो, फिर यहाँ पे डालो वैल्यू। अब बोलोगे सर v1 इतना मेहनत कौन करेगा, v1 को फिर अकेला कर, लाइक ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, फिर v1 अकेला होगा, बहुत झमेला है ना, तो इतना झमेला नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, सीधा r का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या होगा 2π(r), देखो भाई साहब क्या है, mv1/qb/v1, देखो मैंने divided by v1 क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग को, सबको नहीं लेकिन बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सर ये डिवाइड, अगर मैं लिखूँ ऐसे करके लिखूँ ना, है ना, तो बहुत लोगों का माथा घूमने स्टार्ट हो जाएगा ना, सर ये ऐसे कैसे आएगा, मान लो ये नहीं लिखा मैं, है ना, सिंपल जो था वही लिखा, ये इंटू ये लिखा, तो बोलोगे सर ये क्या लिख दिया सर, अब क्या करें सर, ये QB नीचे आएगा ना QB ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो आप लोग वो डिवाइड देखकर कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया डिवाइड देखकर कैसे करते हैं ना। सर देखो ये QB क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा, 2πm(v1/v1)q(b), ठीक है, q(b) क्या होगा, ये b होगा। सो v1 खाना खाना गया, देखो घर चला गया, अब घर चला गया जाने दो उसको, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या आ गया 2πm/qb। सो ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, अब इसके लिए है ना, ये हमारा क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड राइट टू कम्प्लीट वन सर्कल या फॉर वन रोटेशन, ठीक है, दिस इज द सिंपल टाइम रिक्वायर्ड। चले गए यहाँ तक ना, आए बस मैं आपको, अच्छा अभी देखो इसे हम, देखो ये टाइम है ना, ये एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, देखो एक सर्कल कंप्लीट किया है कि नहीं है, सो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं टाइम पीरियड भी तो कह सकते हैं, है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं ना, याद है कि नहीं आप लोग को, इसे हम लोग टाइम पीरियड कह सकते हैं। अगर टाइम पीरियड आता है तो हमारा यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, हमारा यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी बाहर आ सकता है कि नहीं है, सब लोग फ्रिक्वेंसी भी ला सकते हो। देखो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि लाइक याद है आपको ना, क्या था, ν = 1/T था, है ना, टाइम पीरियड डाल दो यहाँ से, ठीक है वैल्यू, आपने यहाँ से न्यू निकल जाएगा, है ना, ये आई गेस आप लोग खुद कर सकते हो। अगर न्यू निकल गया आपका है कि नहीं है, सब लोग क्या निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या था फॉर्मूला,
एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, क्लास 11 में किया था फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा कष्ट कीजिए। सिंपल था, एंगुलर देखो ये था आपका क्या था, मान लो एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं है, हमने लास्ट टाइम क्या लिया था, आर लिया था है कि नहीं है। अब मान लो यहाँ पे आर का जगह क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो क्या होगा ये 2π न्यू, फिर ये न्यू को यहाँ डाल दो, आपको एंगुलर वेलोसिटी भी निकल जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से ध्यान देना, काम आसान होगा आपका। ठीक है, आया वास्तविक नहीं आया, ठीक है क्लियर ना। अब देखो कि बहुत मन में सवाल आया होगा ना कि सर आपने बोल दिया ये V1 का वजह से सर्कुलर मोशन आएगा एंड V2 का वजह से, V2 का वजह से सर्कुलर मोशन नहीं आएगा। सर आपके सपने में आया था क्या ये चीज़, है ना। तो आपने बोल दिया कि V1 का वजह से आएगा, V2 वजह से नहीं आएगा, आपने बोल दिया कि ये ऊपर गया इस तरह से घूमा, है ना। बोला बोले मैं ही बोल सकता हूँ ना, तो क्या मैं जब प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज मान लो कि V1 इक्वल टू क्या था, V ऑफ साइन ऑफ थीटा था कि था, V1 इज इक्वल टू क्या था आपका, V1 sin of थीटा। ठीक है, अब मान लो लेट्स से कि मेरे साथ बस दोनों केस था ना, V2 इक्वल टू क्या था आपका, V cos of थीटा। फाइन, अब मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 है सपोज, ठीक है थीटा इज इक्वल टू 90 है। फाइन, अब मैं इन दोनों केस में थीटा का वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या आएगा आपका, देखो V1 इक्वल टू क्या आएगा, V sin थीटा, मतलब क्या होगा, V1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90, कितना होगा साइन ऑफ 90 1, सो V1 इक्वल टू कितना आ गया V। सेम यहाँ पुट करो, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V into cos of 90, कितना था cos of 90 बताइए मुझे, 0 है ना, सो कितना आ गया, 0 आ गया ना, मतलब कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जब ये एक एंगल से 90 में फेंकूंगा उसको, है ना, सो यहाँ पे कोई वेलोसिटी आएगा ही नहीं, है ना, वेलोसिटी विल नॉट बी देयर, मूव ही नहीं करेगा वो। सो ये हो गया 490। हम मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, आप सोच रहे हो ना सर 90 तो ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिना किसी एंगल के मैंने थ्रो किया इसको, है ना, लाइक स्ट्रेट, तो क्या होता है यहाँ पे, इसलिए V into sin 0 कितना होता है, साइन 0 हम 0, सो V1 इक्वल टू 0, मतलब ये ऊपर तरफ जाएगा ही नहीं, है ना, और ये V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V cos of 0 डेट इज 1 V, मतलब जब 0 डिग्री फेंकूंगा, है ना, जब 0 डिग्री थ्रो करेंगे हम ना चार्ज को, तो कहाँ जाएगा ये, इधर जाएगा आराम से, देखो यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन मूव हो जाएगा ये, मतलब पूरा स्ट्रेट तो ऊपर गया ही नहीं, जब चार्ज ऊपर गया ही नहीं, है ना, तो सर्कुलर पाथ का सवाल कहाँ से खड़ा हो गया, पॉसिबल नहीं है ना। हेलिकल पाथ जो है ना वो आपका V2 कारण आया नहीं, बिकॉज ये तो आराम से स्ट्रेट जा रहा है ना। लेकिन अगर यही V1 जब मैंने 90 किया, मतलब एक एंगल से लाइक इट मे नॉट 90 ऑल्सो 45 ले सकते हैं इसको, सो तभी भी क्या दिखे आपको, कुछ V2 का वैल्यू आप आएगा, है ना, जब वेलोसिटी का वैल्यू हमारा आ रहा है ना, अगर मेरे V1 का वैल्यू आ रहा है समथिंग, तो मतलब क्या है, ये इधर मूव हुआ, अब ये इधर मूव हुआ उसके कारण ही ये गोल आया ना। अब मान लो ये ऊपर गया ही नहीं तो फिर गोल घूमेगा कैसे, क्लियर नॉट, बस है ना। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं एग्जाम्पल दे, मान लो कि कल एग्जाम मान लो मैं आपका, है ना, तो कोई बोलेगा मैं तो एग्जाम नहीं देने दूंगा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, सो जाऊंगा, ठीक है। अगर वो सो ही गया तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, तो बोल गए मैं तो एकदम 100 100, वो 100 ही बोल सकता है, वो 0 बोल सकता है, क्यों, बिकॉज एग्जाम दिया ही नहीं, क्या बोलेगा मेरा तो हो गया, लेकिन जो एग्जाम दिया है ना उसी क्वेश्चन कुछ मिलेगा, है ना। सो सेम केस यहाँ पे, ऊपर जाएगा नहीं तो हेलिकल पाथ ही आएगा नहीं, ठीक है, तो हेलिकल पाथ आया है क्योंकि ये V1 के कारण, ठीक है। अब क्योंकि V2 अगर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं है, मतलब V2 की तरफ कब जाएगा, जब ये एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब ये जो थीटा आएगा ना, थीटा विल बिकम हाउ मच, 0, मतलब ये सीधा इस पाथ चला जाएगा, मतलब स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट गया है तो हेलिकल पाथ सवाल उठता ही नहीं हमारा, है ना। सो ये था आपका क्या था, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, याद रहेगा ना। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, है ना, हम नया नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ से बायोट सेवर्ट लॉ करेंगे, देन एप्लीकेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एम्पायर्स लॉ की तरफ, ठीक है। तो 3-4 क्लासेस और लगेंगे हमारा, फिर काम हो जाएगा इसका भी खत्म, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।